विकास के नाम पर मची लूट का विरोध करते हुए अच्छे प्रत्याशियों को चुना जाना चाहिए। चुनाव में फिजूल खर्ची रोकी जानी चाहिए। बेहद खर्चीले चुनाव लोकतंत्र के लिए घातक एवं पूंजीपतियों के मददगार है, जिनका बोझ जनसाधारण पर पड़ेगा। धार्मिक आधार पर मतदाताओं को भ्रमित करने का गंदा खेल शुरू है। पैसा, दारू और मुर्गा के आधार पर वोट लेने के हथकंडे भी शुरू हैं। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग का ध्यान सिर्फ मतदान प्रतिशत बढ़ाने तक ही सीमित ना होकर गलत तौर तरीके अपनाने वालों को भी नियंत्रित करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर धार्मिक स्थानों पर अतिक्रमण है, वहीं धर्म की आड़ में सार्वजनिक स्थानों और पार्कों में अतिक्रमण होने से अराजक माहौल देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक अमला किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति होने से कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। लोगों को विकास की मृगमरीचिका में उलझाए हुए रखा गया है। रीवा के ऐतिहासिक जय स्तंभ को बचाने के लिए 24 फरवरी से लेकर 10 मई तक दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके बाद जन जागरण जारी है और इसी तारतम्य में रीवा के ऐतिहासिक जय स्तंभ को बचाए जाने के लिए रीवा नगरी निकाय चुनाव की वार्ड नंबर 11 की युवा प्रत्याशी, समाज सेविका एवं पत्रकार अनिता पांडे ने जय स्तंभ पहुँच कर उसे बचाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने जय स्तंभ को बचाने के बाद को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया है। जय स्तंभ को लेकर प्रत्याशियों को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। नगरी निकाय चुनाव का ये महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। विकास के नाम पर हो रही खुली लूट और सरकारी जमीनों को बड़े पूंजीपतियों के हवाले किए जाने की बात का कहीं स्पष्ट विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। शहर और आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से शहर का पर्यावरण भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। पूरा रीवा शहर बेढंगे विकास की विनाश लीला के चपेट में है। जय स्तंभ बचाओ जन जागरण अभियान, नारी चेतना मंच, समाजवादी जन परिषद एवं विंध्याचल जन आंदोलन के संयुक्त तत्वाधान में 4 महीनों से निरंतर जारी है। जन संगठनों की ओर से युवा प्रत्याशी अनिता पांडे को शुभकामनाएं दी गई। आइए आपको सुनाते हैं इस अवसर पर पार्षद प्रत्याशी अनिता पांडे, समाजवादी जन परिषद के नेता अजय खरे, संघर्षशील समाजवादी नेता अभय वर्मा, समाज सेवी जय स्तंभ सेनानी दिलीप गुप्ता ने क्या कहा है। जय स्तंभ को बचाने के लिए आज एक बार फिर आप लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, क्या चर्चा हुई, क्या योजना है आगे की? हम लोग अभय वर्मा जी और दीपक गुप्ता जी के साथ हम लोग यहां पर, और अनिता पांडे जी भी आई हुई हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया इसमें। और हम लोग ने 24 फरवरी से लेकर 10 मई तक इसको दीप प्रज्वलन यहाँ लगातार किया 75 दिन तक, और फिर उसका लोगों के बीच जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इस समय चुनाव आ गए हैं तो चुनावी मुद्दा भी है ये। और क्योंकि ये नगरीय निकाय में जो भी प्रत्याशी हैं उनको सोचना चाहिए, लेकिन उनका ध्यान नहीं, राजनीतिक दलों का किसी का भी नहीं है। लेकिन अनिता जी चुनाव लड़ रही हैं और पहली प्रत्याशी हैं जो यहाँ आकर उन्होंने संकल्प लिया है कि हम जय स्तंभ को चुनाव जी भाग्य तो वो लड़ ही रही हैं, लेकिन यदि वो पार्षद के रूप में चुनी जाती हैं वार्ड नंबर 11 से, तो वो सदन में जो नगरीय सदन है वहाँ इस आवाज़ को बुलंद करेंगी। ये सभी जवाबदारी है जनप्रतिनिधियों की, ना कि पूरे देश की जवाबदारी होती है शहीदों की रक्षा करना, तो उसमें आना आगे जाना चाहिए। हाँ, ये अपना रीवा का कोई नहीं है कि ये रीवा की धरोहर है, ये देश की धरोहर है, और रीवा के लोगों का चूँकि यहाँ हम लोग रहते हैं तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए अभय वर्मा जी इकट्ठे हैं, दीपक गुप्ता जी हैं, तमाम लोग अभी हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ बराबर हम लोग ने 75 दिन दीपक जलाए हैं, और ये आंदोलन जो है ये तो चलता रहेगा। और अभी जय स्तंभ इसी वजह से यहाँ मौजूद है, वो नकली प्रतिकृति खड़ी है वहाँ पर, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो ऐसी रोती हुई खड़ी हुई है। का जो लुक है बनाने के लिए, इसको हटाने की जो योजना है वो धराशाही होगी, और जितने लोग अपना प्रयास कर रहे हैं वो सफल होगा, यही उम्मीद है। और सबको धन्यवाद बहुत बहुत। इसमें पहली बात तो जय स्तंभ क्या है ये समझने की जरूरत है। जय स्तंभ शहादत का प्रतीक है, हमारी गुलामी से आज़ादी का प्रतीक है। वीरांगना लक्ष्मीबाई से लेके रीवा में ठाकुर रणवत सिंह जी, ओंकार नाथ खरे, श्याम शाह जी, गंगा, चिंताली, अजीज, अनेकों लोग यहाँ पे शहादत दिए हैं स्वतंत्रता संग्राम में, बिंद को बचाने में। जय स्तंभ उनकी यादगार में बनाया गया, उनके सम्मान का प्रतीक है। रीवा के लोगों ने सम्मान के स्वरूप जय स्तंभ स्थापित किया था। यहाँ प्रतिदिन जय स्तंभ जब स्थापित हुआ तो यहाँ पे तिरंगा ध्वज फहराया जाता था, सुबह प्रभात फेरी निकाल दी जाती थी, राष्ट्रगान होता था। शनय शनय ये परंपरा जो व्यवस्था थी, ये जिम्मेदारी नगर पालिका नगर निगम की होती थी, उन्होंने इस परंपरा को लुप्त कर दिया।
यहाँ पे कोई भव्य इमारत बन रही है, सरकारी इमारत तोड़ के यहाँ पे छापा काना होता था और यहाँ का उस ज़माने का प्रकाश अखबार निकलता था जो आज़ादी का यहाँ का मुखपत्र हुआ करता था। इन सारी चीज़ों को मिटाने के लिए और सने सने रीवा की पहचान मिट रही है, जितना कि रीवा की इस धरोहर इमारतें हैं जो आज़ादी के पूर्व से आज़ादी के पश्चात तक के संघर्ष और रीवा की पहचान की गवाह थी, उन सबको मिटाया जा रहा है। हम आज संकल्प लेते हैं, हमारी बहन खड़ी हैं, महारानी लक्ष्मीबाई के यादगार का जय स्तंभ है और आज एक वीरांगना हमारे साथ खड़ी हुई है और ये रीवा बचाने की आवाज़ हम भेजना चाहते हैं सदन में। जो शहर सरकार होती है, नगर सरकार होती है, नगर सरकार में रीवा की आवाज़ बनेगी हमारी बहन। और एक 11 नंबर वार्ड से एक हमारा प्रतिनिधि जाएगा, ये किसी दल की प्रतिनिधि नहीं है और रीवा शहर की प्रतिनिधि है। ये सारे रीवा शहर की नुमाइंदगी करेंगी और रीवा शहर की आवाज़ बुलंद करेंगी। रीवा शहर पूंजीपतियों के हाथ बिकता जा रहा है, आपको देख के सामने हमारे सामने खड़ा हुआ है। यहाँ प्रचार का एक अड्डा बना दिया गया है, लाल किले के सहतीर में आज तक कभी किसी चीज़ का प्रचार नहीं हुआ, तीन मूर्ति भवन में कहीं किसी का प्रचार नहीं होता, लेकिन रीवा के जो यहाँ के स्मारक है, रीवा का लाल किला है, रीवा की लाल चौक है, जो जय स्तंभ, यहाँ पे जेपी का प्रचार हो रहा है, जेपी का प्रचार स्तंभ खड़ा हुआ है। हमारी बहन जिस दिन जीत के आएगी, इस तरह के अतिक्रमण रीवा की नगर की जनता हटाएगी और रीवा की नगर की जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति हमारी बहन करेंगी सदन के अंदर। इसलिए हम अपनी बहन के निर्वाचन की और विजय की शुभकामना करते हैं और रीवा की जनता से आह्वान करते हैं कि हमारे लिए नगर सरकार में ये एक रीवा की पहचान, रीवा बचाओ आंदोलन की प्रतीक हम भेज रहे हैं। सभी रीवा की जनता से निवेदन है, वार्ड 11 की जनता से निवेदन है कि हमारी बहन को केवल वार्ड 11 की बुनियादी ज़रूरतों के जाने के लिए देखिए, आज जय स्तंभ बचाओ आंदोलन की रणनीति तो आप देख ही रहे हैं कि 75 दिनों तक हम लोगों का आंदोलन चला है और दीपक प्रज्वलित करके लोगों को आह्वान करने का प्रयास किया गया। इसका असर ये हुआ है कि लोगों के बीच में ये हमारा मैसेज तो गया है कि जय स्तंभ हमारी अस्मिता है, रीवा का इतिहास है और यहाँ पर इतिहासों की वीरांगनाओं के नाम लिखे हुए हैं। हमारी बहन जो 11 नंबर वार्ड से लड़ रही है, निश्चित ही वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है, हमारे रीवा सदन में जाके अपनी बातों को रखेगी और हम उनका समर्थन करते हैं और उनको जिताने का प्रयास करेंगे। जो भी रीवा में गंदगी आप देख रहे हैं, गंदगी का मतलब मेरा यह है कि आज आप विकास के नाम पे अगर जो रीवा देख रहे हैं, चाहे रोड देख लीजिए, चाहे नाली देख लीजिए, चाहे जल देख लीजिए, चाहे बिजली देख लीजिए, ये सब विकास जो दिख रहा है वो केवल एक कोरी कल्पना है, मिर्चा है केवल। हमको जय स्तंभ बचाना है और जय स्तंभ बचाने के लिए हम भरकस प्रयास करेंगे और सभी रीवा जनता से आह्वान करेंगे कि अस्मिता को बचाने के लिए पूरा प्रयास करें और हमें साथ दें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जय स्तंभ अपनी पुरानी धरोहर है, इसको हम सबको बचा के रखना हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है और इसमें अपने समाज से भी बीच बीच में इस चीज़ की लड़ाई लड़ते रहते हैं और इसमें मैंने भी कई बार अपने चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कई बार जय स्तंभ का मुद्दा उठाया और पुरानी धरोहर के जो अपने हैं उन सबको बचाने के लिए। आज मुझे पता चला कि समाज से भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अगर मुझे वार्ड पार्षद का चुनाव मैं जीतती हूँ तो मैं निश्चित तौर से नगर निगम में भी इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ूंगी और जो यथासंभव मदद हो पाएगी तो जय स्तंभ को बचाने के लिए बिल्कुल करूँगी। बिल्कुल, रीवा में नहीं, कई जगहों पे अपने जय स्तंभ बने हैं तो जब अपने यहाँ देश में जब शहीद होते थे अपने भाई बेटे जो भी, तो इनके नाम से यहाँ पे जय स्तंभ बनाए जाते थे, आज उन्हीं को हटाने के लिए शासन प्रयास करती है।